हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आपको यूपी बोर्ड फर्स्ट ईयर एजी का मैथ कराया जा रहा है और फर्स्ट ईयर एजी के मैथ में हम सीख रहे हैं सांख्यिकी। दोस्तों, सांख्यिकी में ये एक्सरसाइज चल रही है 24 यानी प्रश्नावली 24, और प्रश्नावली 24 में दोस्तों टोटल क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो क्वेश्चन है वो 12वां क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों, करते हैं हम टॉपिक की शुरुआत। देखिए, 12वां क्वेश्चन है और 12वें क्वेश्चन में हम क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, एक पूछ रहा है क्षेत्रफल के लिए तो दूसरा पूछ रहा है उपज के लिए। तो फर्स्ट कंडीशन में हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल के लिए। वर्ष दिया है 1952, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 1961 तक। इसके बाद दे रखी है क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में, यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो एक्स की वैल्यू दी है 152, 114, 138, 154, 144, 153, 144, 117, 136, 154। दोस्तों, इस टोटल हमने एक्स को जोड़ लिया, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 1408, यानी कुल मिला के 1408। ठीक है, ये कितनी आई है 1408। ठीक है, सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने क्या काम करा, समांतर माध्य का फार्मूला होता है वो दोस्तों ये फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बटे एन। ठीक है, अब एन क्या है, एन का मतलब है टोटल संख्या। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, टोटल संख्या कितनी है हमारी, 10। तो देखिए, सिग्मा एक्स की जगह 1408 आ गया तो हमने 1408 रख लिया, एन की जगह टोटल संख्या है 10 तो हमने 10 रख लिया। दोस्तों, जब हमने 10 से इसे डिवाइड करा तो हमें मिला 140.8। अब हमने क्या काम करा, हमें निकालनी है इसमें डी। ठीक है, जब डी निकालनी है तो 152 में से घटा दो 140, तो ये मिल जाएगा 11.2। इसके बाद क्या काम करा, 114 में से घटा दिया 140, तो मिला हमें माइनस का 26.8। इसके बाद 138 में से घटा दिया हमने 140, तो माइनस का 2.8। 154 में से घटाया तो मिला हमें 13.2। 144 में से घटाया 140 तो मिला हमें 3.2। इसके बाद 153 में से घटाया हमने 140 तो 12.2। 144 में से घटाया 140.8 तो 3.2। 117 में से घटाया 140 तो माइनस का 23.8। 136 में से 140 तो माइनस का 4.8। 154 में से घटाया 13.2 तो एक मिला आपको 154 में से घटाया 140.8 तो मिला 13.2। इस प्रकार से दोस्तों हमारी निकल गई डी। अब इस डी को हमने क्या काम करा, इस डी को करा है डी स्क्वायर। क्या डी स्क्वायर, यानी 11.2 की दो बार गुणा कर ली तो मिल गया आपको ये संख्या, आपको मिल जाएगी 125.44। इसी प्रकार इसकी आप दो बार गुणा करोगे 26.8 की तो इतनी संख्या मिल जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2.8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7.84। 13.2 की गुणा करोगे तो ये कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इन सब की हमने क्या काम कर ली, स्क्वायर कर लिया इन सब का, तो हमें ये कॉलम निकल के आ गया। इसके बाद सिग्मा डी स्क्वायर, इस टोटल संख्या को हमने क्या काम करा, हमने इस टोटल संख्या को जोड़ लिया और टोटल संख्याओं को जोड़ा तो हमें ये जोड़ आया, ये जोड़ मिला 1958.28। दोस्तों, मानक विचलन का फार्मूला हम निकालते ये चले आए हैं। मानक विचलन को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, यानी सिग्मा एन से, एन है ये, इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो मानक विचलन का फार्मूला है अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो आई है आपके, देखिए 1958.28। तो 1958.28 अपॉन एन की वैल्यू 10 है तो 10, जब हम इसे 10 से डिवाइड करा, हमने इस 10 से इसे डिवाइड करा तो हमें मिला 195.828। तो दोस्तों, 195.828 की जब हमने वर्गमूल निकाला तो लगभग ये 14 के बराबर आया। ठीक है, तो ये आ गया दोस्तों मानक विचलन। इसके बाद हम अगला पूछ रहा है इसमें मानक विचलन गुणांक। तो दोस्तों, जो मानक विचलन गुणांक का फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा बटे एम इंटू 100। अब सिग्मा तो क्या है, मानक विचलन है, और एम क्या है, एम आपका समांतर माध्य है इंटू 100। तो सिग्मा की जगह रख लिया हमने 14। ठीक है, 14 सिग्मा क्या है, मानक विचलन, तो मानक विचलन की जगह 14
और अहम समांतर माध्य इसकी जगह रखा हमने ये वाला 140.8, 140.8 इंटू फार्मूले के लिख लिया 100 है तो 100। अब इसे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप यहीं पर पॉइंट हटा लो, सही है, ऊपर एक जीरो बढ़ा लो, या फिर 100 की और 14 की गुणा कर लो, 1400 हो जाएगा। 1400 को जब भाग दोगे इससे तो आपको 9.957 ये मिल जाएगा। दोस्तों ये आया इसका विचलन गुणांक, ठीक है, दूसरी कंडीशन में। तो दोस्तों दूसरी कंडीशन में देखिए ये निकलवा रहा है उपज के लिए, तो उपज के लिए देख वर्ष वही हमारी सेम रहेगी 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, ठीक है, वर्ष 1952 से लेके 61 तक। दोस्तों इसमें जो एक्स की वैल्यू दी है वो दी है 49, 50, 45, 40, 53, 59, 60, 63 और 60। फिर हमने क्या काम करा, इस एक्स को हमने जोड़ लिया, इस एक्स को जोड़ा तो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 530, कितनी आई 530। और दोस्तों टोटल संख्या कितनी है हमारी 10, यानी एन की वैल्यू कितनी आई 10। तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला हुआ सिग्मा एक्स बटे एन, सिग्मा एक्स बटे एन, और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 530, तो हमने 530 रख लिया। एन की वैल्यू है 10 क्योंकि टोटल संख्या है 10, तो दोस्तों 10 से जब डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 53। ये है समांतर माध्य। अब दोस्तों समांतर माध्य से हमने निकाल लिया मानक विचलन, तो देखिए समांतर माध्य आया निकल के 53। अब आपको करना क्या है, 49 में से ये 53 घटा दो तो मिल जाएगा माइनस का 4। अब 50 में से आप 53 घटाओगे, 50 में से 53 घटाओगे आप तो मिल जाएंगे आपको 3, ठीक है, यहाँ आएगा 3, ठीक। और 45 में से आप घटाओगे कितना 53, तो आपको मिल जाएगा 8 माइनस का 8। फिर 40 में से घटाओगे तो माइनस के 13, और 53 में से घटाओगे तो ये आ जाएगा 0, तो आ गया 0, और 59 में से घटाओगे तो ये मिल जाएंगे आपको 6, और 60 में से घटाओगे 53 तो मिल जाएगा 7, और 63 में से घटाओगे 53 तो 10, और 60 में से घटाओगे तो मिल जाएगा आपको 7, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है 10 है, देखो 2, 2, 4, 5, 5 4 9, यहाँ 9 रह गई, इसका मतलब ऊपर कहीं एक संख्या कम रह गई है। देखो आप 49 में से घटाओ 53 तो 4 बचे, 50 में से घटाओगे आप 53 तो 3 बचे, 45 में से घटाओगे 53 तो 8 बचे, 40 में से घटाओगे आप 53 तो 13 बचे, 53 में से 53 घटाओगे तो 0। अब ये रह गया 59 में से घटाओगे 53 तो 6, और 60 में से 53 घटाओगे 7, और 63 में से घटाओगे आप 53 तो मिल जाएगा आपको 10, 60 में से घटाओगे तो 7, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, और ये कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक मिनट, यहाँ 10 आ रही है, यहाँ 9 आ रही है, यहाँ 9 आ रही है, ठीक है, एक मिनट रुकिए मैं चेक करता हूँ। देखिए मैथ है मेरे पास, मैथ में मैं चेक कर लेता हूँ क्या है टोटल संख्या कितनी है। देखिए पहली 49 है, इसके बाद 49 के बाद है हमारी 51, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 51 है, 51 छूट रही है, 49 के बाद यहाँ 51 है, और जब 53 में से 51 में से 53 जाएंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, ये दोस्तों माइनस का 2 भी है, ठीक है, माइनस का 2। अब इधर वाली देख लो, टोटल संख्या 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, अब हमारा सही हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमने निकाल लिया डी, अब हमने करा डी का डी स्क्वायर कर लिया, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 2 9, 8 8 64, 13 13 1, 69, 0 0 0, 6 6 36, 7 7 49, 10 11 100, 7 7 49, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सिग्मा डी स्क्वायर कर लिया, सिग्मा डी स्क्वायर आया हमारा निकल के वो आया 496, ठीक है, 496। अब देखिए मानक विचलन पहली बार निकालना है, मानक विचलन, तो मानक विचलन का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, तो अंडर रूट में देखिए सिग्मा डी स्क्वायर आया 496, तो हमने यह 496 रख लिया, एन टोटल संख्याएं हैं तो टोटल संख्या है 10, ठीक है। जब हमने इसे 10 से डिवाइड करा तो मिला हमें 49.6, और 49 का जब वर्गमूल निकाला तो 7.04, ये दोस्तों 7.04 आ गया। देखिए
49 का वर्गमूल 7 होता है, तो 7 आ गया, 6 का निकालोगे 0.6 का, तो 0.4 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए वर्गमूल में तो आप रिप्लाई करिए, मैं आपको वर्गमूल की वीडियो बना दूंगा स्पेशल, ठीक है। दूसरी कंडीशन है विचरण गुणांक की, तो विचरण गुणांक का फार्मूला होता है, वो होता है सिग्मा बटे एम इंटू 100, ठीक। सिग्मा क्या है? मानक विचलन, मानक विचलन इंटू समांतर माध्य इंटू 100। तो मानक विचलन निकल के आया है, वो आया है आपका 7.04, तो 7.04 लिख लिया। एम, एम क्या है? समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आया 53, तो आपने 53 रख लिया इंटू 100। फिर आप चाहे तो आप डायरेक्टली इसे इसके लिए भाग दे दो, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो फिर इसकी और इसकी 100 की और 7.4 की मल्टीप्लाई करके जब 53 से भाग दोगे तो आपको मिलेगा ये आया निकल के 13.28। अब यहाँ देख लीजिए जो विचरण गुणांक इसमें आया है क्षेत्रफल के लिए आया है, वो आया है आपका 9.95 और 7, ये निकल के आया। इसकी अपेक्षा देखिए इसका जो उपज के लिए है, उपज के लिए 13.283 आया है, ये ज़्यादा आया है, तो मैंने लिख दिया विचरण उपज में क्षेत्रफल की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। उपज में इसमें देखिए अधिक आया है निकल के, ठीक है, विचरण गुणांक इसकी अपेक्षा। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन वही संख्या मिस हो गई थी, इधर 53 छूट गई थी, इधर हमारा 53 में से 51 हटाएंगे तो दो, इधर दो छूट गई थी, ठीक है। वीडियो को दो एक बार देखिए, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आपको मैं लगा के दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन से संबंधित तो आप नीचे रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कोई क्वेश्चन आपसे बन नहीं रहा है, या फिर आपको वर्गमूल समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे रिप्लाई करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।